हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन हब में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं जीके के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों, ये आपको बताना है 5 सेकेंड में, और टाइम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। अब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक दोस्तों। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला यह है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों, ये आपको बताना है 5 सेकंड में दोस्तों कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों। और टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है 5 सेकंड में दोस्तों, टाइम स्टार्ट हो गया है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सचिव वित्त मंत्रालय के। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों 5 सेकंड में। और जो भी अपने मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 में। और पांचवा क्वेश्चन है आज का हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 5 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है दोस्तों, टाइम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1950 को दोस्तों। और आज का हमारा छठा क्वेश्चन है आज का, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी दोस्तों, ये आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों 5 सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों, टाइम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। और आज का हमारा दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, 5 सेकंड में जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन डी, मुंबई दोस्तों। और हमारा आज का आठवां क्वेश्चन है, उठो जागो का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है दोस्तों कि उठो जागो का नारा किसने दिया था दोस्तों, आपको 5 सेकंड में इसका जवाब देना है दोस्तों, और टाइम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद दोस्तों। और आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता कौन है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों, ये आपको बताना है, और आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। और आज का हमारा दसवां क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या ऑप्शन है इसका, और टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन। और आज का हमारा ग्यारहवां क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, शाब्दिक अर्थ बताना है इसका मोहनजोदड़ो का, 5 सेकंड में आपको ये बताना है। और आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, और आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों, आप जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मृतकों का टीला। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 12वां, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों, और आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।